नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। तेज चिलचिलाती धूप और तपिश के कारण लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल होता जा रहा है, जबकि भागलपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तेज धूप के साथ चल रही गर्म हवाओं से राहगीरों की परेशानी और अधिक बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सूर्य की तपिश से बचने के लिए लोगों को पानी और शीतल पेय के साथ बचाव के कई साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। जबकि आम दिनों की तुलना सड़कों पर निकलने के बजाय लोग घरों में दुबकने को विवश होते दिख रहे हैं, जिससे सड़कों पर भी आवागमन में कमी देखी जा रही है। वहीं तापमान में लगातार वृद्धि को देखते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पत्र जारी कर आंगनबाड़ी और प्री नर्सरी समेत सभी स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिन के 11:45 तक ही संचालन का निर्देश दिया है। हालांकि नौकरी पेशा और जरूरी कार्य से घर के बाहर निकलने वाले लोगों और कॉलेज के छात्र छात्राओं को इस तेज धूप और तपिश का सामना लगातार करना पड़ रहा है, जबकि सड़क पर कई छात्राएं अपने चेहरे को ढककर चल रही हैं और गर्मी से राहत के लिए शरबत और ठंडे पानी का सहारा लेती दिख रही हैं। वहीं मौसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार अभी अगले एक सप्ताह तक तापमान में लगातार तेजी और मौसम पूरी तरह से साफ रहने के साथ 5 से 9 किलोमीटर की गति से हवा चलने की संभावना है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि अभी फिलहाल कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने वाला नहीं है और सभी किसान फसलों की कटाई कर फसल को सुरक्षित स्थानों पर रख लें, जबकि पशुओं को भी गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए शेड या किसी ठंडे स्थान पर रखना सुरक्षित होगा। बहुत ज़्यादा, और अभी तो ऐसा हवा भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा लू लगता है और फिर जो बच्चे लोग स्टूडेंट लोग घर से आते हैं उसको आने में बहुत प्रॉब्लम होता है और इतना ज़्यादा धूप के कारण भी बहुत। और अभी के टाइम में कुछ ज़्यादा है, कल जैसे बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी किया था और आज भी बहुत ज़्यादा धूप किया है, तो अभी के टाइम में कॉलेज क्लास अभी करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है क्लास का टाइमिंग भी, टीचर लोग सब धूप में कर देते हैं, पर जब से ये वाला लगाए क्या बोलते हैं बिजली का भी जो लाइट का जो न्यू कनेक्शन रिचार्ज वाला, वो हम लोग को हॉस्टल में भी बहुत दिक्कत होता है, अंकल लोग जानबूझ के लाइट कट कर देते हैं, यही सब। गर्मी इतना ज़्यादा है, भागलपुर का टेम्परेचर तो और भी ज़्यादा है, यहाँ के लोग के साथ लोग जितने गर्म है उससे ज़्यादा गर्मी भी गर्म। नवगछिया पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसके बाद पुलिस 3 अपराधियों की गिरफ्तारी को अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। इसको लेकर नवगछिया SP शांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी, जिसमें तीनों गिरफ्तार अपराधियों द्वारा बड़ी ही चालाकी से वाहन लूट की घटना को अंजाम देने की बात कही गई है। SP सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नवगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर OP क्षेत्र चक्रामी गांव में 18 मार्च को अमित कुमार मंडल के दरवाजे पर 6 अपराध कर्मियों ने आकर खुद को पटना पुलिस CID उड़न दस्ता की टीम का सदस्य बताया और अमित मंडल द्वारा मोहम्मद साइन से स्कॉर्पियो खरीदने की बात कही। SP ने कहा कि अपराध कर्मियों ने स्कॉर्पियो को चोरी होने की बात करते हुए गाड़ी को फर्जी बताया, जबकि इस नंबर की असली गाड़ी स्टेशन के पास लगी होने की बात बदमाशों ने कही अमित मंडल से। वहीं इसके बाद खुद को पुलिस बताने वाले अपराध कर्मियों ने स्कॉर्पियो को फर्जी बताकर जालसाजी के तहत वहां से अमित कुमार मंडल की स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। इधर गाड़ी लेकर अपराध कर्मियों द्वारा फरार होने के बाद अमित कुमार मंडल ने भवानीपुर थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया। वहीं SP शांत कुमार सरोज ने कहा कि लूटकांड की जाँच और अनुसंधान के क्रम में तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरों को घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी और नवगछिया में लूटी गई अमित मंडल की स्कॉर्पियो समेत कई सामान के साथ दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 वॉकी टॉकी वायरलेस सेट, 6 मोबाइल, 2 हैंड वॉच, एक्सिस बैंक का 2 ATM, बैंक ऑफ इंडिया का 2 मास्टर कार्ड भी बरामद किया है, जबकि गिरफ्तार मोहम्मद साइन पहले भी इस तरह के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। जैसा कि आप जानते होंगे, बीते माह 18 तारीख को कुछ अपराधी, ये चक्रामी गांव है आपका भवानीपुर OP अंतर्गत, ये वादी है अमित कुमार मंडल, इनके घर पर आता है लोग 6 के संख्या में, यह कहते हुए कि हम CID के आदमी हैं और वादी को बोलता है तुम्हारा गाड़ी जो है क्राइम में यूज हुआ है, तुम्हारे गाड़ी से किडनैपिंग हुआ है, उसको डराता है धमकाता है। चूँकि वादी गाड़ी सेकेंड हैंड लिया था, मोहम्मद साइन है भागलपुर का, उसे गाड़ी को खरीदा था, वो डर जाता है, वो कहीं गाड़ी लेने में कुछ तो कोई फॉल्ट तो नहीं हो गया है, तो जो भाई छोटा भाई था गाड़ी में बैठ जाता है, रास्ते में क्या कर जो अपराध था उस बल्ब को नीचे उतारता है और ले गाड़ी को वहाँ से भाग जाता है। चूँकि केस अननोन केस था, ये SIT गठित की गई थी SDPO के नेतृत्व में, थाना प्रभारी और IO राजीव, इसके अलावा चन्नवीर यादव और अलावा बसंत,
और DIO की टीम इस पर लगातार काम कर रही थी। हम लोग कुछ फिर साक्ष्य मिला, लोग तकनीकी साक्ष्य हम लोग को मिला, लोग उस पर आगे बढ़े। पहले से गिरफ्तारी हो गई थी मोहम्मद साइन की, गिरफ्तारी हो गई थी जिससे कि मोहम्मद साइन से गाड़ी आपका वादी जो यह है अमित मंडल गाड़ी लिया था। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत असानंदपुर ने अटूरा निवासी स्नातक पार्ट थर्ड की छात्रा रिफत आफरीन गुरुवार को घर से ATM से पैसे निकालने के लिए निकली, जिसके बाद से छात्रा वापस घर नहीं लौटी। वहीं रिफत आफरीन के वापस घर नहीं लौटने से परेशान परिजनों ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन छात्रा का कहीं कोई पता नहीं चल सका। वहीं इसके बाद लापता युवती की माँ विश्वविद्यालय थाना पहुँची, लेकिन पुलिस ने महिला को समझा बुझा कर रेल थाना भेज दिया। जबकि रेल थाना जाने पर पीड़ित महिला को रेल पुलिस ने फिर से विश्वविद्यालय थाना जाने के बाद कही। आलम यह है कि पिछले 3 दिनों से लापता युवती के परिजन अपनी गुहार लेकर दोनों थानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी भी थाना के द्वारा मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। वहीं मामले को लेकर लापता छात्रा की माँ का कहना है कि रिफत आफरीन मुंबई की एक लड़की से लगातार बात करती थी और उन लोगों को शक है कि कहीं उसी लड़की के द्वारा तो रिफत को बहला फुसला कर कहीं ले जाया गया हो। साथ ही महिला ने कहा कि पुलिस ने ना तो उसकी बेटी की तलाश के लिए कोई पहल की और ना ही अभी तक कोई मामला ही दर्ज करने को तैयार है। साथ ही कहा कि पुलिस मैनुअल के अनुसार किसी भी थाने में मामला दर्ज कर मामले में कार्रवाई या तलाशी शुरू की जा सकती है और जांच के बाद मामला जिस थाना का पाया जाएगा वहां उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। पीड़ित पक्ष के लोगों का कहना है कि इस मामले में पुलिस सिर्फ परिवार वालों के साथ टालमटोल का रवैया अपना रही है, जबकि समय पर अगर पुलिस मामला दर्ज कर उनकी बेटी की तलाश शुरू कर देती तो शायद अब तक रिफत उसे मिल चुकी होती। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल भी पीड़ित परिवार द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। तो हम 12 बजे से उसको बहुत खोजने का कोशिश किए, स्टेशन है, मार्केट है, हर जगह खोजे, लेकिन नहीं ये हुए। स्टेशन में गए तो वहाँ भी पुलिस सबको बोले तो वो भी जो है कह इसके आप जो है जाकर के विद्यालय वाले को बोलिए, विश्वविद्यालय हाँ यहाँ आए तो यहाँ भी सब चीज़ पूछ लिया। अब वो भी बोला कि आप वहाँ जाइए, फिर वहाँ गए तो फिर वो बोला कि आप जो है जाकर के विद्यालय आइए, तो फिर यहाँ ये मेरा एक्शन कोई नहीं ले रहा और हम बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई पुलिस वाले कोई नहीं ले रहा। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खिरीबांध खरवा निवासी गुल्लो का पुत्र उमेश राम विगत कई दिनों से कभी DIG कार्यालय तो कभी वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल उमेश राम का कहना है कि खरवा गांव के ही जमीन माफिया उसकी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर घर बना रहे हैं और थाने में जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो पुलिस द्वारा इस पर रोक लगाने की कोई पहल नहीं की गई, जिसके कारण उन्होंने भागलपुर के रेंज DIG विवेकानंद और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार से न्याय की गुहार लगाई है। इसको लेकर उमेश राम का कहना है कि DIG और SSP से अपने जान माल और दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा हटाने की गुहार लगाई है, जिसके बाद दोनों वरीय अधिकारियों ने उन्हें मामले में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साथ ही पीड़ित का कहना है कि आरोपी पक्ष के लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं और उसे अपनी और परिवार वालों की हत्या का भय भी लगातार सता रहा है और अपने जान माल की रक्षा के लिए उसने DIG और SSP से मिलकर आवेदन दिया और इंसाफ की गुहार लगाई। मामला है कि सर हमारा बंदोबस्त हुआ पिताजी के नाम से, गुल्लो मारा के नाम से, और बगल वाला दमान भी है जबरदस्ती जो हमारे जमीन पर घर मकान बनाता है और बहुत जगह दे चुके हैं, थाना भी दिए हैं, SP को भी दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। कत जाओ जहाँ जाना जाओ। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारी जमीन पर नहीं बने। कौन है वो सर? वो सब बगल वाला आदमी है, बदमाश टाइप का आदमी है। वो क्या भाई मर्डर भी किया हुआ है और एक भाई जो है ये भी है, वार्ड भी है, वो लोग कुछ पैसे वाले आदमी हैं, वो लोग कई आदमी हैं। और हम क्या बोलता है? थाना बोलता है जो करना जाओ जहाँ जाना हो। हाँ उससे मिला हुआ है? हाँ उससे मिला हुआ है। भागलपुर के घंटागढ़ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से बिहार राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गोपकूट की ओर से कर्मचारियों द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जुलूस घंटागढ़ से निकलकर समाहरणालय पहुंचा और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन नीति को खत्म कर दी गई है, जिसके
जिसके कारण कर्मचारियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें 2000 से 2200 रुपये तक पेंशन मिल रहा है, जिससे उनका गुजारा होना संभव नहीं हो पा रहा है। जबकि कर्मियों ने शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग सरकार से की। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पुरानी पेंशन नीति लागू नहीं करती है तो यह प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान 11 गुट के कर्मियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी सभी विभागों से आए हुए हैं और हम लोग का सबका मांग है कि शिक्षक को, कर्मचारी को, पुलिस को, न्यायालय के कर्मी को, जितने रेलवे के कर्मी हैं, आयकर के कर्मी हैं, अधिकारी हैं, इवन कि आईएएस आईपीएस को पुरानी पेंशन चाहिए। 2004 के बाद केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर रखी है, 2005 के बाद जो है राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन बंद कर रखी है। इससे सभी कर्मचारी नाराज हैं। हमारे पेंशन के, हमारे कुल राशि का 10% और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो अपने अपने कर्मचारी के 14% काट के पीएफआरडीए को भेज रहे हैं, उस 24% पैसा का कोई लेखा जोखा नहीं है। कल हमें उस पर ओल्ड पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हमारा इतना पैसा जमा हो रहा है प्रत्येक महीने में 24% जमा होके भी, अंत में जब लोग रिटायर हो रहे हैं तो किसी को 2200, किसी को 2400, किसी को 1800 रुपये पेंशन मिल रहा है। ये बिल्कुल गलत है। एमएलए, विधायक, सभी तरह के मंत्रियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जबकि हमारे राज्य कर्मियों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। पूरे देश के कर्मचारी, पूरे देश के शिक्षक एकजुट होकर के केंद्र सरकार के इस नीति का विरोध कर रहे हैं और इस आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना जो है उस योजना को अविलंब लागू करे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांका के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर में बिसुबा की पूजा के दौरान लगी आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें दर्जनों लोग आग से झुलस गए, जिन्हें परिजनों द्वारा बीती देर शाम इलाज के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रजौन के गोपालपुर गाँव स्थित समीर गोरखनाथ मंदिर में बिसुबा पर्व को लेकर भरथरी पूजा की जा रही थी, तभी धूमना जलाने के दौरान तेज हवा के झोंके से धूमना में आग चिंगारी फैल गई, जिसके बाद वहां पूजा कर रही एक महिला की साड़ी में चिंगारी से आग लग गई। वहीं आग लगने के बाद मंदिर और आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते आग ने दर्जनों बच्चों के साथ कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई लोग आग से झुलस कर गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि पहले तो सभी घायलों को इलाज के लिए रजौन के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायगंज अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ सभी घायलों का इलाज जारी है।
भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के सामने एक महिला ने जमकर हंगामा करते हुए अस्पताल के एक ट्रॉली मैन का मोबाइल छीन लिया। इस दौरान हंगामा कर रही महिला ने कहा कि ट्रॉली मैन के द्वारा उनकी बच्ची को मोबाइल नंबर दिया गया था और जब महिला को बच्ची के बैग से ट्रॉली मैन का नंबर मिला तो उसने उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन फ़ोन पर ट्रॉली मैन ने महिला के साथ आपत्तिजनक बातें की। महिला का कहना है कि इसके बाद वो अस्पताल पहुंची, जहां अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के समीप ट्रॉली मैन भी पहुंचा और दोनों के बीच ऐसी बात को लेकर झड़प हो गई, जिसमें महिला ने ट्रॉली मैन से उसका मोबाइल छीन लिया। हालांकि करीब आधे घंटे तक शोर शराबा और हंगामे के बाद महिला ट्रॉली मैन के वहां दोबारा नहीं पहुंचने पर महिला ट्रॉली मैन का मोबाइल लेकर वहां से निकल गई। फोर ग्रेड का स्टाफ है, ट्रॉली मैन है या क्या है मुझे नहीं पता। वो यहाँ अगर नादान लड़की रहती है या जो भी है, वो अगर अपने पेरेंट्स के साथ है तो वो उसको अब जो समझिए अपनी भाषा में, उससे नंबर एक्सचेंज करता है, उसको नंबर देता है। उस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो उसको नंबर लिख के दिया। बच्चा तो ये एज ही थीन कहलाता है, 14 साल 15 साल थीन एज है। एज एडुकेशन में हम टीचर हैं और मैं इसी विभाग को छोड़ के गई हूँ उस लाइन में। बराबर आपकी बच्ची को फोन करता था यहाँ से? फोन उन कुछ नहीं किया था। मैंने जब घर अभी पढ़ने के लिए बुक निकाली तो देखे कि वो डर से बैग को रखी हुई थी। जब मैंने बैग को चेक किया तो उसमें इसका नंबर था। हम अपने मोबाइल से कॉल किए तो ये हमको कहता, क्या हाल है जान? अरे जान, हम तो तुम्हारा कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मतलब एक जो बात होता है ना, कॉमन बात, वो हमसे कर रहा है। हम सिर्फ हाँ 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 कर रहे हैं। उसके बाद हम बोल रहे हैं हम आ रहे हैं, मिलने आना है आपको, आना है। वो बोलता है कि अभी भी क्या बोल रहा है, अरे बाहर में कोई देख लेगा, हंगामा हो जाएगा, अरे यार तुम समझती हो ना, ये वो कर रहा। हम तीन बार यहाँ रेकी किए, यहाँ से मोबाइल लगा रहे हैं। हम पहले कंफर्म हुए कि आखिर ये लड़का है या नहीं है, फिर हम इसको बुलाएं अभी कि तुम धीरे धीरे जाओ और देखो। तब तक हम उसके पास गए, उसका मोबाइल छीने, मेरा अभी इसमें नंबर भी है कॉल करते हुए। उस लड़का का नाम मोनू है। लगातार हो रही आगजनी की घटना को देखते हुए इससे बचाव के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। बता दें कि अग्निशमन भागलपुर शाखा की ओर से अग्नि सुरक्षा सप्ताह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो अगले 20 अप्रैल तक चलेगा। वहीं इसको लेकर इस वर्ष की थीम को ध्यान में रखकर पूरे शहर में रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को आगजनी की घटना से बचाव एवं सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। वहीं जिला अग्निशमन सेवा पदाधिकारी हरेंद्र कुमार सिंह ने जिले वासियों से अपील करते हुए आग से बचाव और अपने घरेलू मीटर पर कम से कम बिजली को खपत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहर में ज्यादातर आगजनी की घटना शॉर्ट सर्किट से होती है, इसलिए बिजली के कनेक्शन की जांच कराने की जरूरत है। ये अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है जी, कार्यक्रम के अंतर्गत आज लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग रैली निकाली है। मैराथन रैली, मैंने लोगों के बीच अग्नि से बचाव की जागरूकता पैदा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।